सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देखिए ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये नकली किसान है। मैं कहता हूँ इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं, इनकी रोजी रोटी चली हुई इस आंदोलन से। कभी भी किसान अपनी ट्राली के अंदर एसी नहीं लगा सकता, किसान तो अपनी ट्राली का कुंडा नहीं लगा सकता, एलईडी एसी कहां से लगा सकता है। विदेशी फंडिंग हो रही है, देश तोड़ने की साजिश है। जब आप 3 किले के मालिक बच्चों की शादी में 50 लाख रुपये लगा सकते हो, 20 लाख की गाड़ी में चलते हो, तो हम किसान क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है भाई जूत का बदला जूत से दिया जाएगा, यह अपने मारे को याद दिलवा दी। ऐसा ना हो कि कदे अभी जो अभियान चला हुआ है आपका नंबर ना पड़ जाए, या तो आप माफी मांगो नहीं आपका भी नंबर पड़ने वाला है। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसुलूकी के विरोध में हरियाणा में भी बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकालते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इस मौके पर कैथल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है और ये नकली किसान है। इस मौके पर राज्यपाल तंवर ने कहा कि इन लोगों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इस आंदोलन के जरिए इन लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हरण किया गया है, ये लोकतंत्र की बहुत शर्मनाक घटना थी और ऐसे कांड कांग्रेस सदा करती रहती है। यहाँ ये तो एक विधायक था, इन्होंने तो बलात्कार की घटनाएं, कई बार तंदूर कांड, ऐसे बहुत से कांड किए हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की हद होती है। जिस तरह से कांग्रेस के गुंडों ने घटना किया, हरियाणा बीजेपी और खासकर कैथल की टीम ने इसका पूरा विरोध किया है और अमरेंद्र जी का पुतला भी यहाँ फूंका गया है। और मेरा तो एक और कहना है, ऐसे गुंडे लोगों का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। गुंडों लोगों का मुकाबला कभी शराफत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जूत का जवाब जूत से ही देना चाहिए। लोगों को तैयार रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। बिहार विधानसभा में विधायकों को भी ऐसे आपकी सरकार है बीजेपी, अगर बिहार विधानसभा में कोई ऐसी कार्रवाई है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। मैं पार्टी से ऊपर उठकर ही बात कहता हूँ कि गुंडागर्दी का कोई स्थान इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये नहीं होने चाहिए। तो महिलाओं तक को घसीटा गया है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। किसानों को रास्ता रोकने के लिए किले तक गाड़ी गई, जब आंदोलन किसानों का चल रहा था, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के तहत ये ठीक है? देखिए ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये नकली किसान है। मैं कहता हूँ इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं, इनकी रोजी रोटी चली हुई इस आंदोलन से। कभी भी किसान अपनी ट्राली के अंदर एसी नहीं लगा सकता, किसान तो अपनी ट्राली का कुंडा नहीं लगा सकता, एलईडी एसी कहां से लगा सकता है। विदेशी फंडिंग हो रही है, देश तोड़ने की साजिश है। 300 लोग मरे कौन है? देखिए जो लोग मरे हैं उनके लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। मरे कौन है वैसे, ये कौन है ये लोग? ये तो आम नागरिक हैं, मरते रहते हैं इस देश के अंदर। लेकिन वो तो आंदोलन में गए हुए थे। देखिए आंदोलन में हो चाहे कहें हो, जो कहां, अगर किसी कोई अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। कोई भी देश का नागरिक नहीं मरना चाहिए। वहीं राज्यपाल तंवर ने इस बयान पर किसान नेता होशियार गिल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। होशियार गिल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्यपाल तंवर ने माफी नहीं मांगी तो जो पंजाब में विधायक के साथ हुआ, अगली कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है। जय जवान जय किसान, सभी किसान देवताओं को राम राम। अभी अभी एक बयान दिया है राज्यपाल तंवर जी, जो पूर्व बीजेपी के प्रधान थे जिला कैथल के, उन्होंने कहा ये किसान नहीं है, ये नकली किसान है। साथियों उन्होंने बोला कि किसान कभी भी एसी नहीं लगा सकता ट्रालियों में, एसी रूम नहीं बना सकता। हम राज्यपाल जी से पूछते हैं, जब आप 3 किले के मालिक बच्चों की शादी में 50 लाख रुपये लगा सकते हो, 20 लाख की गाड़ी में चलते हो, तो हम किसान क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है भाई जूत का बदला जूत से दिया जाएगा, यह अपने मारे को याद दिलवा दी। ऐसा ना हो कि कदे अभी जो चला हुआ है आपका नंबर ना पड़ जाए, या तो आप माफ़ी मांगो नहीं आपका भी नंबर पड़ने वाला है। और आपने बोला है बे ये किसान तो मरते ही रहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हुए भी आपने इतना गंद मचाया, जब भी हम जाते थे आप बोले नहीं कि मेरे तो बस की बात नहीं है। किसान साथियों ये खुद चोर ठग लुटेरा अपनी सस्ती लोकप्रियता चाहता है, ऐसे इसको नहीं होने देंगे। और आप सभी से अनुरोध है वे जहाँ भी मिले इसका स्वागत जरूर करना है। और आपने
जो भी ये बोला है बहुत निंदनीय है, आप माफ़ी मांगे। किसान बोलता है नहीं बाहर से फंडिंग हो रही है, हाँ हो रही है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो हमारे बच्चे पैसे भेज देंगे तो हम भंडारा में भी लगावाएंगे, अपना बड़ा तोड़ा भी लगावाएंगे। आपका कैसे मिर्ची लगी? आप 3 किले के मालिक हो गए, आपके पास करोड़ रुपये की संपत्ति कहाँ से आएगी? आप माफ़ी मांगें वरना आपका भी स्वागत बढ़िया तरीके से किया जाएगा। जय जवान जय किसान। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में बीजेपी कैथल में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें कैथल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने आंदोलन कर रहे किसानों को नकली किसान करार दे दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।